पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जाड़े में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी DPCC के इंजीनियर्स के साथ सचिवालय में समीक्षा बैठक की है। राय ने बताया कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ विंटर एक्शन प्लान की तैयारी शुरू कर दी है। इस वर्ष का विंटर एक्शन प्लान 15 फोकस बिंदुओं पर आधारित होगा। प्लान के तहत DPCC को जल्द टीमें गठित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही धूल प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, वर्क रूम, ग्रीन ऐप, स्मॉग टावर और रियल टाइम अपोर्शमेंट स्टडी पर कार्य करने का निर्देश भी DPCC को दिया गया है। इसमें स्मॉग टावर से संबंधित रिपोर्ट भी सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। गोपाल राय ने DPCC के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि 500 वर्ग मीटर से ऊपर के निर्माण एवं विध्वंस प्रोजेक्ट साइट CND पोर्टल पर पंजीकृत हो। पर्यावरण मंत्री ने DPCC अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्र में लगातार निरीक्षण करने का निर्देश भी दिया। इसके साथ ही अवैध अनधिकृत उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि DPCC यह सुनिश्चित करें कि सभी पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां PNG द्वारा ही संचालित हों।